कि जैसे मान लीजिए एक वालिद हैं और उन्होंने अपने टाइम पे अपने जवानी में कुछ कर्जा लिया हुआ था, ठीक है, कुछ लोगों से, वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, लाख 2 लाख 10 लाख। जी ठीक है अब वालिद जो है वो एक्सपेक्ट करते, और उनके बेटे को पता ही नहीं है कि उन्हें किससे कब करके कहाँ क्या कर्जा लिया था। उनके बेटे के सामने कुछ ये लेन देन हुआ नहीं था, उन्होंने मान लीजिए अपने दोस्तों से लिया और उनके बेटे को पता नहीं था, ठीक है। अब ठीक है वालिद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बेटा क्लियर करे उनके इंतकाल के बाद, ताकि वालिद का जन्नत जो है आखिरत सवर जाए। वालिद ऐसा आप अपने बेटे को समझा रहे हैं कि यार हर बेटे को कर देना चाहिए ताकि मेरे वालिद का जन्नत जो है वो मतलब आखिरत सवर जाए, उन्हें जन्नत मिल जाए। तो इसके ऊपर क्या इस्लामिक रूलिंग है शेख? ठीक है, सवाल वाजे है। अगर वालिद ने अपने बच्चे से या बच्चों से ये कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये कर्जा अदा कर देना, इसका साफ मतलब ये है कि वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैंने कर्जा लिया है। अब कर्जा तो साबित हो गया, गरचे दुनिया में किसी और को नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जबान से ये बात कह करके इस बात का इकरार कर लिया कि मैंने कर्जा 10 लाख लिया हुआ है और मेरे मरने के बाद इसको चुका देना। पहली जी बात यहां पर यह है कि अगर वो साहिबे इस्तेआत हैं, कर्जा चुका सकते हैं और कर्जा चुकाने का टाइम भी आ चुका है क्योंकि कर्जे का वक्त होता है, उसके जी बाद भी वो नहीं चुका रहे हैं, तो ये गलत है, ये गुनाह है। अल्लाह के नबी ससम की हदीस है कि मतलुल गनी ये जुल्मुन, अगर कोई आदमी गनी है, मालदार है, साहिबे इस्तेआत है, फिर भी कर्जा चुकाने में टाल मटोल कर रहा है तो वो आदमी जालिम है, वो जुल्म कर रहा है। तो अगर वो वालिद जी साहिबे इस्तेआत हैं, अपनी जिंदगी में कर्जा चुका सकते हैं और नहीं चुकाया तो उन्होंने गलत किया, उन्होंने गुनाह किया, और जिससे कर्जा लिए थे उसके साथ ज्यादती किया, उन्होंने जी टाइम पर ना दे करके उसके साथ ज्यादती किया, क्योंकि जो टाइम ज्यादा हो रहा है ये भी तो ज्यादती है। आपने 2 महीने जी कह के कर्जा लिया, आप 10 महीने पर वापस कर रहे हो जबकि आप 2 महीने पर वापस कर सकते थे। तो ये जो आपने 10 महीने लिया, 8 महीने जो ज्यादती किया, ये गलत है, ये गुनाह है। घर से आपने बाद में 10 महीने बाद पूरा दे दिया, फिर भी ये जो 8 महीने का डिले आपने किया है, ये ज्यादती तो हुई ना सामने वाले पर, तो ये गुनाह है। इसके लिए सामने जी वाले का माफ करना जरूरी है, पहली बात ये। दूसरा मसला ये कि अगर बेटा बाप की वफात के बाद कर्ज की अदायगी कर दे रहा है तो कर्ज की अदायगी उसकी तरफ से हो जाएगी, लेकिन क्या बेटे के ऊपर वाजिब है बाप के कर्ज की अदायगी? अगर बाप माल छोड़ करके वफात किया है, उसके जी मरने के बाद उसके पीछे उसने तरीका छोड़ा हुआ है, तो तरीका को तकसीम करने से पहले उसके वरसा पर लाजिम है कि उसके जो कर्ज हैं पहले उनकी अदायगी करें। अगर वो नहीं करते हैं तो गलत है। तो अगर माल छोड़ करके गया है तब तो आपके ऊपर वाजिब है कर्ज की अदायगी करना उस तरीके से, जी और अगर वो माल छोड़ करके नहीं गया है तब आपके ऊपर वाजिब नहीं है कर्ज की अदायगी करना, फिर आपके ऊपर वाजिब नहीं है। कुरान की आयत है ला तजिरो वाजिरतुन विजरा उखरा, दूसरे का बोझ दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको मुकल्लफ नहीं किया जाएगा, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बेटे के लिए अफजल और मुस्तहब है, बल्कि ये वालिद के साथ बिर और एहसान है, और उसके मरने के बाद तो ये सबसे बड़ा एहसान है कि उसे कर्ज के बोझ से बेटा आजाद कर दे। ये बहुत बड़े सवाब का काम है बेटे के लिए और करना चाहिए। अगर कोई बेटा साहिब इस्तेआत है तो उसे करना चाहिए, बल्कि उसे कोशिश करके किसी भी तरह से अपने बाप का कर्ज उतारना चाहिए। लेकिन शरई नाहिये से हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे ऊपर वाजिब है, नहीं करोगे तो जी गुनाह गुनेगार हो, ये नहीं कह सकते। लेकिन बहुत बड़े सवाब का काम है, उसे करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नफ्सुल मुमिने मुअल्लकतुन बेदैनिही औ कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई कर्ज खा जी करके मर जाता है कर्ज अदा किए बगैर तो मुअल्लक रहता है, वो मुअल्लक रहता है, कर उसके और जन्नत के रास्ते में ये रुकावट है। तो कोई बेटा भी नहीं चाहेगा कि मेरे वालिद की आखरत जो है खराब हो, तो बेटे को चाहिए कि कर्ज की अदायगी कर दे, लेकिन उस पर हम वाजिब नहीं कर सकते अगर उसने तरीका नहीं छोड़ा अपने पीछे तो।
बस एक पॉइंट इससे मुतालिक मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ छोड़ के गए हैं, या मान लो बेटा खुद के पैसे से करना चाह रहा है, बट बेटे को ये नहीं पता कि किसने कितना लिया हुआ था। अगर मान लो कोई आके झूठ बोल रहा है कि भाई मेरे से, आपके फर्ज करो आपके डैडी ने, आपके वालिद ने मेरे से 1,00,000 रुपया लिया था, और मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, इसमें बेटा क्या कर सकता है कि भाई हमको, हमारे सामने ट्रांजैक्शन हुआ नहीं तो हम नहीं देंगे, ये बोलना चाहिए या फिर बिना कुछ सवाल पूछे दे देना चाहिए, इसके ऊपर क्या रूलिंग है? इसके ऊपर रूल है, कुरान करीम का रूल है कि जब एक दूसरे से लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। तो जब पहले रूल का वायलेशन हुआ है तो अब जाहिर है यहाँ पे परेशानी तो होगी, है ना। तो ये परेशानी इसीलिए आ रही है कि हमको इस्लाम के जो रूल हैं हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब लेन देन हो तो लिखा पढ़ी होना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इदा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन फक्तुबूहु, जब आपस में एक दूसरे इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, जब आपस में एक दूसरे से कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लो। अगर लिखा हुआ होता तो ये परेशानी नहीं होती। तो पहली बात तो ये इस्लाम का रूल ये है जी। दूसरा ये कि सामने वाला अगर आकर के दावा कर रहा है कि मेरा कर्ज इन्होंने लिया हुआ है, अब दावा करने वाला कौन है? वो सामने वाला आदमी जी। और दावा करने वाले के ऊपर दलील है, ये रूल है इस्लाम का। इस्लाम का भी रूल है और दुनिया के अंदर भी यही रूल है कि जो दावा कर रहा है दलील उसको देना होगा। अल बय्यनतो अलल मुद्दई, ये हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल बय्यनतो अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि जो दावा कर रहा है उसको दलील देना होगा तब उसकी बात मानी जाएगी। अगर वो दलील दे पा रहा है तब आपके आप जो है उसको अदा कीजिए। अगर वो दलील नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब साबित नहीं कर पा रहा है अपना कर्ज, तो फिर आप मत दीजिए उसको। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है, एहतियात का तकाजा ये है कि जाहिर है हमारे मुआशरे में लिखा पढ़ी का रिवाज बहुत कम है। हो सकता है आपके वालिद ने हकीकत में उससे कर्ज लिया हो, तो अगर आप साहिब इस्तेताअत हैं तो एहतियात का तकाजा ये है कि आप उसे अदा कर दें। और देखिए जो सामने वाला दावा करने वाला है ना, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा आदमी है, इसके दावे किस तरह के हुआ करते हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले ये परेशानी और ये मुश्किल आए ही क्यों? आप क्यों ना, खास तौर से जब बड़ी रकम का लेन देन हो तो आप उसको क्यों ना लिख लिया करें? जी ठीक है। अच्छा जो आप कह रहे थे कि जो ट्रांजैक्शन था उसको नोट कर लेना चाहिए, कलाम पाक की कौन सी आयत है आप मेरे को हेल्प करें, मैं नोट करना चाह रहा हूं। कुरान की जो सबसे बड़ी आयत है, आप किसी भी आलिम से पूछिए कि कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है, तो वो आपको कहेगा आयते दैन, सूरह बकरा। सूरह बकरा के आखिर में है ये आयत, बिल्कुल आखिर खत्म होते होते है ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इदा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु।